इंदौर शहर में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने वार्ड में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। जब साधना न्यूज की टीम वहां पहुंची तो वार्ड क्रमांक 35 का नजारा देखने लायक था। वार्ड क्रमांक 35 से कांग्रेस प्रत्याशी कपिल सोनकर अपने वार्ड में जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क में भारी भीड़ का सैलाब था, साथ ही लोगों का कपिल सोनकर के प्रति स्नेह देखने को मिला। मतदाताओं ने सोनकर का फूल मालाओं से स्वागत किया। मतदाताओं का कहना था कि कपिल सोनकर हमारे नेता हैं, हमारे घर के सदस्य हैं और हमारे वार्ड के पार्षद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं विधानसभा दो के वार्ड क्रमांक 35 में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कपिल सोनकर जी। आप देख सकते हैं यहां पर जितनी भीड़ है, जनसंपर्क चालू है और ये इतनी भीड़ जिनका स्वागत कर कपिल जी का स्वागत करती नजर आ रही है। खूब प्रेम और आशीर्वाद कपिल जी को मिल रहा है जनता का। जिस तरीके से आप देख रहे हैं भीड़ का अपार प्यार सोनकर जी को मिल रहा है और सोनकर जी को देखिए पुष्पों की माला से लदे हुए हैं, पूरी तरह से अपार प्रेम मिल रहा है। जानते हैं उनसे यहाँ के विकास को लेकर उनकी क्या नई रीढ़ की है। कपिल जी, स्वागत तो भव्य हुआ है आपका, आगे की रणनीति कुछ? रणनीति से सबसे पहले मैं मेरे से भी जनता का, मेरे परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, कि इतना प्यार और इतना प्रेम मुझे दे रहे हैं। रही बात क्या बोल रहे हैं, पानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे पानी का है। तो मेरी एक ही रणनीति है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे जीतने के बाद में हर हर घर 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 नर्मदे और हर हर नर्मदे का मेरा प्लान है। हर घर के बाहर एक नल का टोटी लगेगी और पूरे क्षेत्र में, पूरे 35 नंबर वार्ड में एक नर्मदा की लाइन का एक जाल बिछ जाएगा। बस्ती को लेकर कुछ नया प्लान? बस्ती को लेकर एक हमारा क्रांतिकारी प्लान रहेगा कि जहाँ जो हमारी ये बस्ती है, ये जहाँ जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो वहीं में स्थायी हो जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति चली है कि सब बस्तियों को उजाड़ दिया जाए और यहाँ बड़े बड़े मॉल लेकर आ जाए। तो मेरा प्रयास और हम सबका प्रयास यही रहेगा कि हम लोग मीडिया के माध्यम से सबको बोल दें कि आप सब हमारा सहयोग करें ताकि हम लोग, हमारी बस्ती जहाँ है वहीं बसी रहे। बारिश समय आ रहा है, बस्ती का माहौल है, मच्छर की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जिससे बीमारियां बहुत फैलती। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं मच्छर भी दिख रहा है, इसके लिए कुछ कि आप डेली दवाइयां ऐसा कुछ? जैसे ड्रेनेज समस्याओं को दूर करना है जिसकी वजह से ये कीड़े और मच्छर आते हैं और गंदगी बहुत होती है। तो ये चुनाव के बाद आचार संहिता लगी, कुछ कर नहीं सकते हैं पर्सनली, इसलिए अब चुनाव हो जाए तो सबसे पहले नर्मदा का लाइन, उसके बाद फिर ड्रेनेज की समस्याओं को दूर करना। वैसे मतदाताओं का प्रेम तो आपको भरपूर मिल रहा है, वो मैं खुद देख रही हूँ, यहाँ पर भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन कुछ विशेष समस्याएं तो आपने सुनी होंगी, लोगों की कुछ समस्याएं? किसी की भी आप बोलिए, जो ये जो नेता है ऐसे प्रिय नेता कोई आया नहीं है। इतने दिल से सब इनसे पूरा प्यार करते हैं, हर चीज की समस्या का हल करने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत बड़ा वो आए हैं कि आज तक कोई नेता ही नहीं आया है। 40 साल से काम कर रहे हैं, आज तक कांग्रेस का काम कर रहे हैं, आज तक इनके जैसा कोई नेता नहीं आया अभी हमारे बीच में। इतना दिल से प्यार करते हैं, इसलिए हम इच्छुक हैं भैया के, इसलिए हम भैया के लिए इच्छुक हैं। सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिल से प्यार करते हैं, हम और करते रहेंगे, कांग्रेस को जिताया जिताते रहेंगे। सोनकर जी, ये प्रेम ही दिख रहा है मुझे आपके लिए कि जिस तरीके से लोग आपको भी नहीं बोलने दे रहे, खुद ही बोले। बोलिए, आप बोलिए। ये जो चार छह आदमी जो मोहन पहलवान के साथ थे, इनके लिए कपिल जी ने बिल्कुल जी जान से सहयोग किया है और जी जान से सबसे प्यार करते हैं। कपिल जी, बहुत ज्यादा उम्मीद है लोगों को आपसे है। प्रयास पूरा ये रहेगा कि मेरे सब परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरू। मेरे बड़े बड़े नेताओं ने जो मुझ पर विश्वास जता के यहाँ भेजा है मेरे परिवार के बीच में, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इन सबकी इच्छाओं को पूरी करूं, इनकी सब समस्याएं दूर करूं। आपको लगता है कि इनकी उम्मीदें से पार्षद बनके पूरी की जा सकती है क्या? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इनकी उम्मीदें पूरी करने के लिए मुझे पार्षद बनने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो आप ऐसे अपने आप में पार्षद हैं। मैं विगत 2 साल हो गए मुझे मेरे वार्ड में काम करते करते। आप 2 साल से फ्री पानी पिला रहे हैं, मैंने सुना है। जल के तो कोई कीमत होती नहीं है, इसलिए उसको फ्री या कीमत में जोड़ तोड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे लोगों की प्यास बुझाने की और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का फुल प्रयास कर रहा हूँ। हमारे कपिल भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं हर चीज को, जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे हैं और हर चीज के लिए सहयोग में खड़े हैं और जीतने के बाद भी सहयोग में खड़े रहेंगे वो, और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग पूरी बस्ती से इनको मिले। सोनकर
जी, स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि चूंकि बस्ती का इलाका होता है, बारिश का समय सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, पानी को लेकर समस्याएं आती ही है, साथ में इन्फेक्शन की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उसके लिए विशेष, क्योंकि स्वास्थ्य का जो है इस समय बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी है। हर मुमकिन प्रयास करूंगा जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियां ना फैले, पानी जमा ना हो और जिसकी वजह से कीड़े मच्छर नहीं आए, हर मुमकिन प्रयास करेंगे, जो हो सकता वो करेंगे। तो आपने देखा कि कपिल सोनकर जी के लिए जो यहाँ के लोगों का प्यार है, जो उन्हीं को नहीं बोलने दे रहे हैं, खुद सामने आ रहे हैं। खैर, उनकी जीत निश्चय है जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, और कपिल जी का कहना है कि वो जीतते हैं या नहीं जीते, उनका कार्य जनता की सेवा करना उनका काम है, धर्म है। कैमरामैन अंकित शाह के साथ ऋतु साहू की रिपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं।